नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं J2FRP के बारे में। तो दोस्तों, J2 फ़ोन में जो FRP लॉक लगता है हार्ड रिसेट करने के बाद में, तो सिंपली दोस्तों सेटअप आपने बताऊंगा, उसको आपको फॉलो करना है। तो कैसे करना है दोस्तों, सिंपली दोस्तों ऐसा इंटरफेस आप सभी के फ़ोन स्क्रीन पे आया हुआ होगा, इसको आगे बढ़ाना है, ये सेटअप आगे बढ़ाना है। उसके बाद में ये नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों आपको वाईफाई कनेक्ट करना है। आपने वाईफाई कनेक्ट करके देख लेना है एक बार कि आगे आता है नेक्स्ट का नहीं आता है। तो वाईफाई मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों, सिंपली पासवर्ड लगा हुआ है, इसको हम कनेक्ट कर ले रहे हैं। और दोस्तों इसको नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, इसको फिर नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद एग्री करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। आप सिंपली इसको बैक कर लीजिए, ये आगे नहीं जाएगा, तो आप बैक कर लीजिए। उसके बाद में आपको डबल फिंगर से प्रेस करना है, थोड़ा टाइम तक, 5 सेकेंड तक आपको डबल फिंगर से प्रेस करके रखना है, टॉक बैक मोड पर जाएगा ये। जैसे ही आपका टॉक बैक ऑन हो जाता है तो फिर आप इसको छोड़ दीजिए। और ऑन करने के बाद में आपने एग्जिट करना है इसको। उसके बाद एल स्क्रीन के ऊपर अपने एल बनाना है। एल बनाने के बाद में आपको टॉक बैक ऑप्शन में जाना है, फिर अपने टॉक बैक को वॉल्यूम अप और डाउन से बंद कर लेना है, ऑफ कर देना है। उसके बाद में स्क्रॉल करते हुए आपने प्राइवेसी पॉलिसी में जाना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में जाके पूरी तरह से आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। फिर सर्च में जाके आपको टाइप करना है एपेक्स लॉन्चर। एपेक्स लॉन्चर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करेंगे। एपेक्स लॉन्चर को इंस्टॉल करने के बाद में आपको डाउनलोड कर लेना है इसमें सिंपली। लेटेस्ट वर्जन आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। परमिशन देके फिर इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन में अपने। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, फिर आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में आपको एंड्रॉयड वर्जन चेक कर लेना है, इसमें 5.11 है। आप में जो है वो उसी हिसाब से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो फिर से क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सर्च करना है गूगल अकाउंट मैनेजर। हमारे में 5.11 था, तो मैं 5.11 का गूगल अकाउंट मैनेजर डाउनलोड कर लेता हूँ। फर्स्ट नंबर पे आइकन आया, उसको ओपन करना है और डाउनलोड कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। फिर सर्च बार में जाके क्विक शॉर्टकट मेकर APK डाउनलोड कर लेना है। क्विक शॉर्टकट मेकर अभी तो लेटेस्ट 2.4.0 चल रहा है, लेकिन इसका आप कोई भी कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। फिर दोस्तों सिंपली आपको बैक जाना है, डाउनलोड हो जाने के बाद बैक जाना है। बैक जाने के बाद में फिर फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में डाउनलोड डिवाइस स्टोरेज में, उसके बाद में डाउनलोड में जान के फिर गूगल अकाउंट मैनेजर को इंस्टॉल कर लेना है।
परमिशन दे के फिर इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। इंस्टॉल हो जाने के बाद क्विक शॉर्टकट मेकर भी इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है, इसको डन कर देना है। फिर क्विक शॉर्टकट मेकर इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है अपने फ़ोन के अंदर। गूगल अकाउंट मैनेजर सर्च करना है उसमें, फिर गूगल अकाउंट मैनेजर पे टाइप करके उसके बाद में टाइप ईमेल एंड पासवर्ड, फिर ब्राउज साइन इन पर क्लिक करके अपना जीमेल अकाउंट इंटर करना है। वहाँ पे जो भी आपके पास जीमेल अकाउंट है उसको आप इंटर कर दीजिए। जीमेल इंटर करने के बाद में उसका पासवर्ड डाल दीजिए सिंपली दोस्तों। उसका पासवर्ड डालने के बाद में साइन इन कर दीजिए, साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद में सिंपली आपको रिस्टार्ट कर देना है फ़ोन को। फ़ोन चालू रिस्टार्ट होने के बाद अपने आप चालू होगा, फिर आपको टॉक बैक बंद कर लेना। अगर टॉक बैक बंद हो गया है तो ठीक है, अगर चालू है तो वॉल्यूम अप और डाउन दबा के टॉक बैक बंद करने के बाद आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों आप नेक्स्ट बटन पे दबा आगे बढ़ाते रहिए। उसके बाद में इसमें देखिए अकाउंट ऐडेड हो गया है दोस्तों, आपका नया अकाउंट जो जीमेल ऐड किए हो वो ऐड हो गया है। अब आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। और दोस्तों चालू होने के बाद में आप सेटिंग में जाके अपना अकाउंट, जो अगर कस्टमर का फ़ोन है तो अपना अकाउंट वहां से रिमूव करने के बाद कस्टमर को दे सकते हैं। देखिए दोस्तों ये पूरा चालू हो गया है फ़ोन। जय हिंद दोस्तों।